हरिओम रिकॉर्डिंग सेंटर आजमगढ़ की ओर से हमारे मनु भैया के देखरेख में गीत जा रही है। और इस गीत में जो मैं कहानी आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये मेरी बनावटी नहीं है, पेवर रामायण की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और खास तौर से अपने ओबीसी एससी एसटी के लोगों को सचेत करने के लिए कि क्या मान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्योंकि हमारे परम पिता पूज्य बी आर अम्बेडकर कहे थे कि अगर तर्क की कसौटी पर जो चीज सिद्ध न मिले उसे अगर आप मान रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मानसिक गुलामी झेल रहे हो। ये आपका रामायण बताता है पंडित जी महाराज, क्या है काहे भूलावा वाला हो, काहे भूलावा वाला, काहे भूलावा वाला हो, काहे भूलावा वाला, पंडित जी हमारा के काहे भूलावा वाला, पंडित जी हमारा के चरित्रमानस की प्रथम पॉइंट लाछी मन के लागल रहे जहिया शक्ति सेवारी के जूठवा से बचल आपका रामायण बताता है कि लंका के युद्ध में लक्ष्मण को रावण का बेटा मेघनाथ मार दिया शक्तिवान, और जब शक्तिवान लगा तो आपका भाई मरने वाला था। सुसेन वैद्य ने बताया कि जाकर के धौला से संजीवनी ले आओ, संजीवनी पिलाएंगे, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। संजीवनी आई, संजीवनी पिए लक्ष्मण, और लक्ष्मण जिंदा हो गए। लेकिन आपका ही रामायण बताता है कि संजीवनी सेवरी मुसहरिन के जवन वैर सेवरी मुसहरिन देहले रहल काट काट के चिख के लक्ष्मण जी ना खैला, राम प्रेम समझ के खा गेलन। वह लक्ष्मण जो फेंकलन वह संजीवनी बूटी बनल। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका रामायण कह रहा है कि अगर एक मुसहरिन के झूठ से आपके भाई का जान बच सकता है तो उस वनवासी और मूल निवासी के साथ आप क्या कर रहे हो। सेवारी के झूठ से बचल परनवा, लेकिन आप सेवरी परिवार को क्या कर रहे हो जिसके झूठ से आपके भाई का जान बच गया। देश के मूल निवासियों की तरफ एक घटना में संकेत करना चाहता हूं। सोनभद्र में चला दी गई गोली, हजारों कोल भील और पिछड़े सेवरी के परिवार के लोग घायल हुए,
सैकड़ों की तादाद में मौत के घाट उतर गए। इसे भी आपको मानना होगा क्योंकि आपका रामायण का रहा है, नहीं मानोगे तो आपके रामायण का भी अब हम दहन करेंगे। इसलिए ये गीत हमारी बता रही है, सेवरी के कुल के काहे अब तू मिटावेला, सेवरी के कुल के काहे अब तू मिटावेला, पंडित जी हमारा के काहे भूलावा वाला, पंडित जी हमारा के पहला प्रमाण आपके रामायण का हमने दे दिया। हमने इस गीत का शीर्षक रखा है राम नीक की रावण नीक। रावण लंका का था लेकिन भारत में आप उसका पुतला दहन करते हो, ये गीत हमारी बता रही है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे गीत सुनने वाले हमारे साथी झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक जो बार बार फोन पर हमें कह रहे हैं कि सर कोई ऐसी नई चीज आप भेजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, बस इस चीज पर मित्रों तर्क करो, ये क्या सत्य है, राम अच्छे थे कि रावण अच्छा था, क्या है? सुपना खिया कता टीली हलाना कनवा, सीता का हरनवा, हमारे गुरु 18 साल विधान परिषद का नेतृत्व हुए आदरणीय काशीनाथ गुरु जी, बड़े तर्क और बड़े बारीकी से इस चीज को उन्होंने बताया भी था। अगर केहू का बहिन बेटी केहू से कह दे कि भैया हम तारा से ब्याह करे चाहता नहीं, तो भैया ना निक लगत कदा कि हम ब्याह न करो, लेकिन जब वो ब्याह कर कल तो तू नकिया कान काट लहला होकर। लेकिन धन है महाराजा रावण, रोती हुई सुपनखा गई और जब कही अपने भैया से लंका के सम्राट रावण से कि दूठे आयल वहां वनवासी मेहरारू लेके मैं जंगल घूमतन, तो महाराजा रावण ने सीता को उठा करके रथ से ले गए लंका में, और ले गए कितनी सुरक्षा से उन्होंने रखा था। मैं जानना चाहता हूँ आपका रामचरितमानस क्या बता रहा है, मेरे तर्क से आपके राम से 100 गुना रावण बढ़िया था। कितना दिन तक आपकी पत्नी को अशोक वाटिका में ससम्मान से सुरक्षित रखा था, इसे भी जानना होगा आपको। लेकिन आप रावण महाराज ये कहल कि हमरे बहन का नाक कान काट लेलस, हम ली अली जानकी के, रामायण में तरह तरह का इन्होंने पाखंड बनाया है, लेकिन रावण सीता को सिर्फ इसलिए लंका लेकर के गए कि सीता को लेने आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि हमारी बहन ने केवल शादी की फरमाइश किया था, आपने इसका नाक कान काट लिया, ये कौन सा धर्म आप पढ़ा रहे हो अपने भारत में। लेकिन रावण लंका के थे, दहन भारत में क्यों होता था? आज भी अपने 85 मूल निवासियों को अब ये चीज मैं खोल दे रहा हूँ। रावण पिछड़े समाज के राजा थे, कुर्मी समाज के राजा थे,
ब्राह्मणों को कभी उन्होंने अपने राज में पनपने नहीं दिया। तब उसके भाई को उन्होंने फोड़ करके भविष्य को रावण की हत्या करके आज यहाँ भारत में पुतला दहन करवाते हैं कि कहीं पिछले मूल निवासी रावण के बारे में जानने का प्रयास न करें। लेकिन रावण जैसा प्रतापी महाराजा इस पूरे भूभाग पर कोई नहीं था। वो भी ए पाखंडी हमारे राजा को 10 मुड़ी भी बना दिए, अपनी बहन को तो 18 हाथ बना के दिखाए, लेकिन हमारे राजा को इन्होंने 10 मुड़ी बना दिया। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ अगर तेरे बहन के पास 18 हाथ था, मेरे भाई के पास, मेरे राजा के पास 10 मुड़ी थी, तो हमारे पास 2 मुड़ी क्यों नहीं है? अगर नहीं है और हम अब रामायण नहीं मानेंगे और अपने देश के मूल निवासी 85 खास तौर से सबसे ज्यादा इस पाखंड को धोने वाले हमारे ओबीसी यादव समाज के लोग हैं, नहीं जगेंगे। अब इन अखिलेश भैया का कुर्सी धोवाई तो उनका घर भी धोवाई, यहू के जान लिया। ये पता चलता है कि राम से 100 गुना बढ़िया हमारे महाराजा रावण थे। अब मैं शुरू किया हूँ खोलने के लिए आपके वेद में, आपने अपने वेद में कहाँ कहाँ हमें उलझाया है। तीसरा बिंदु मैं आपके महाभारत पर लेकर चलता हूँ। अगर आप महाभारत मानते हो, महाभारत हमें पढ़ा रहे हो, तो आपका महाभारत क्या कह रहा है? क्या है? धीर जो धन धारे में वहा छोड़ी गई है, चेता चमार घरे खिचड़ी के खैला, खास तौर से अपने ओबीसी समाज के लिए मैं बताना चाहूंगा कन्हैया के आप अपने आप को वंशज मानते हो हमारे यादव भाई, लेकिन दुर्योधन के घर 56 प्रकार के भोजन का प्रत्याग करते हुए भगवान कन्हैया चेता चमार के घर प्रेम से बैठ करके उन्होंने खिचड़ी का ग्रहण किया और कह दिया कि चेता तेरे जैसा बहादुर, तेरे जैसा भक्त धरती पर कोई नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने यादव समाज से, कहाँ आप डूब रहे हो? अगर आपका वंशज साहब का भगवान चेता चमार के घर खिचड़ी खाया तो आप चमारों से इतना नफरत क्यों कर रहे हो? इस चीज को आपको अब तक पता नहीं है। कारण है ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मण का पाखंड आपके दिमाग को गुलाम बना लिया है, क्योंकि उनकी 3.5% की आबादी है, 90% की बहुमत में बैठ करके आपके दिमाग को चाट रहे हैं, लेकिन आप केवल बिरादरी लेकर के ढो रहे हो कि हम तो यही रही बड़ा पवित्र हैं, हमके कोनो बात ना आए कि भर नुनिया चमार समझा। लेकिन हमारे 85 लोगों को 6,745 जातियों में बांटाए, कोई थोड़ा बड़ा, कोई थोड़ा नीच, क्यों तनी पवित्र, क्यों थोड़ी पवित्र, कह दिला कि अहिर सबसे ऊंच सुदरन में, चौहान तनी सा उनसे ऊंच हूँ, हल्का सा देना इतना ऊंच चौहान हूँ, भार इनसे तनी सा नीच हूँ, चमार उनसे है तनी नीचे हूँ। लेकिन ध्यान रहे कुछ भी आर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आप सबकी औकात का अंदाज चल गया होता। गया था ये मदारी इटावा में भाषण दिया था कि अगर अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो मुलायम और अखिलेश किसी ब्राह्मण के घर गाय और भैंस चलाते मिलते, मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होती। उसके बाद भी आप इस पाखंड को ढो रहे हो, कितनी बड़ी दुर्भाग्य है आपकी।
चाहते हैं अगर अपने आप को इस दुर्भाग्य से बाहर निकालने के लिए, त्याग दो ब्राह्मणों को, त्याग दो मंदिरों को, त्याग दो इन पाखंडियों को। इसलिए मेरी गीत कह रही है, चेता चमार घारे खिचड़ी के खैला, चेता के काहे भैया, चेता के काहे भैया द्वार से भगावेला, पंडित जी हमारा के काहे बहकावेला, पंडित जी हमारा के। आपने रामायण भी पढ़ा दिया, महाभारत भी पढ़ा दिया, और कहाँ आप हमसे ऊंचे हो, क्योंकि तब हम अनपढ़ थे, गंवार थे, हमने बरगद को आम बता दिए, हमने आम माना, लेकिन अब पढ़े लिखे हो गए, बरगद और आम की दूरी हम समझ गए हैं कि आम क्या है, बरगद क्या है, अब हम इसे नहीं मानेंगे। और हम आज तक मानते रहे, लेकिन मानने का नतीजा तूने हमें क्या किया है, अब हम इसे भली भांत समझ गए हैं। आखिरी लाइन है, स्वामी बिहारी पतुई है बतवला, पंडित सब के बतवला, हमारे मास्टर राम पलट जी बताए कि जब तक इस पाखंड अपवाद है आडंबर से, देश की जनता हमारे पिछड़े मूल निवासी बाहर नहीं निकलेंगे, जब तब उनके बताए हुए सिस्टम और त्योहारों का पालन करते रहेंगे, तब तक जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहना है, राम पालक पंडित सबके बांकवला, राजकुमार यादव गीतिया, राजकुमार यादव गीतिया गाई के सुनावे लै, राजकुमार यादव गीतिया गाई के सुनावे लै, पंडित जी हमारा के काहे बहकावे लै, पंडित जी हमारा के काहे बहकावे लै। Yeah.